أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो उस मुकर्रा वक्त पर आ पहुँचेंगे कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताहियों पर जो इस बारे में हमसे हुई, और उस वक्त उनकी हालत ये होगी कि वो अपना सारा वज़न अपनी पीठों पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बहुत बुरी होगी वो चीज़ जिसको वो ला देंगे। पेशेमानी मगर जहन्नम को देखकर कयामत को झुठलाने वालों का नुकसान, उनका अफसोस और उनकी निदामत और खजालत का बयान हो रहा है इन आयात में, जो अचानक कयामत के आ जाने के बाद उन्हें होगा। नेक आमाल के तर्क पर अफसोस होगा, बदअमालियों पर पछतावा होगा। ये अपने गुनाहों के बोझ से लदे हुए होंगे, अपनी बदकिरदारियाँ अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। क्या बुरा बोझ है। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू मरज़ब फरमाते हैं, काफिर या फाजर जब अपनी कब्र से उठेगा उस वक्त उसके सामने एक शख्स आएगा जो नहायत भयानक, खौफनाक और बदसूरत होगा। उसके जिस्म से ताफुन वाले सरान की सख्त बदबू आ रही होगी। वो उसके पास पहुँचेगा, जब पहुँचेगा ये दहशत और वहशत से घबरा कर उससे पूछेगा तू कौन है। वो कहेगा खूब, क्या तू मुझे नहीं पहचानता। फिर वो इंसान जवाब देगा हरगिज भी नहीं पहचानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू नहायत बदसूरत, करीहा मंजर, तेज बदबू वाला है, तुझसे बदसूरत कोई भी ना होगा। वो कहेगा सुन, मैं तेरा खबीस अमल हूँ जिसे तू दुनिया में मज़े लेकर करता रहा। सुन, तू दुनिया में मुझ पर सवार रहा, अब कमर झुका, मैं तुझ पर सवार हो जाऊँगा। चुनाचा वो उस पर सवार हो जाएगा। यही मतलब इस आयत का है कि वो लोग अपने बदआमाल को अपनी पीठ पर लादे हुए होंगे। हज़रत सदी फरमाते हैं, जो भी जालिम शख्स कब्र में जाता है उसकी लाश के करीब कब्र में पहुंचते ही एक शख्स उसके पास जाता है, सख्त बदसूरत, सख्त बदबूदार, सख्त मेले और काबिल नफ़रत लिबास वाला। ये उसे देखते ही कहता है तू तो बड़ा ही बदसूरत बदबूदार है। ये कहता है तेरे अमाल ऐसे ही गंदे थे। वो कहता है तेरा लिबास नहायत मुताफन है। ये कहता है तेरे अमाल ऐसे ही काबिल नफ़रत थे। वो कहता है अच्छा बता, तू सही तू मनहूस है कौन। ये कहता है तेरे अमल का मुजस्मा। अब ये इसके साथ ही रहता है, उसके लिए अजाबों के साथ एक अजाब होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब कयामत के दिन ये अपनी कब्र से चलेगा तो ये कहेगा ठहर जाओ, दुनिया में तूने मेरी सवारी ली थी, अब मैं तेरी सवारी लूँगा। चुनाचे वो उस पर सवार हो जाता है, उससे मारता पीटता जिल्लत के साथ जानवरों की तरह हंकाता हुआ जहन्नम में पहुँचता है। यही मायने हैं इस आयत के, इसी जुमले के। दुनिया की जिंदगानी बजिस खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। आंख बंद हुई और ख्वाब ख़त्म हो गया। अलबत्ता अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए आखरत की जिंदगानी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बेहतर चीज़ है।
तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी अकल, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो?